नमस्कार दोस्तों, मैं मायूर प्रसाद डीपी के न्यूज़ चैनल से, और आज हम पहुंचे हैं सपोटरा पंचायत समिति के वार्ड नंबर 8 में। वार्ड नंबर 8 से यहां से भारतीय जनता पार्टी ने संतोष कुमार मीना को चुनाव मैदान में उतारा है, उन पर विश्वास जताया है। बात करेंगे कौन से चुनावी मुद्दों को लेकर जनता से मिला जा रहा है। संतोष जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। अब आप घर घर जा रहे हो, डोर टू डोर जा रहे हो, जनता से मिल रहे हो, कौन से चुनावी मुद्दों को लेकर जनता से मिला जा रहा है? ऐसी बात है सर कि मैं भारतीय जनता पार्टी ने मुझे विश्वास करके मुझे टिकट दिया है, और मैं सभी आम जनता या भारतीय जनता पार्टी के विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं अगर अपनी सीट निकलने के बाद मैं अपना प्रधान या फिर जिला प्रमुख जो भी बैठेगा, तो मैं सबको ये विश्वास दिला रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं काम करवाऊँगा। और संतोष जी, बात करें वार्ड नंबर 8 की, अब आप जैसे गाँवों में जा रहे हो तो सड़कों की हालत काफ़ी खस्ता है, वार्ड नंबर 8 की ही नहीं, पूरे सपोटरा विधानसभा की। क्या कारण रहा कि यहाँ मंत्री भी हैं और सरकार कांग्रेस की है, लेकिन फिर भी विकास नहीं हो पाया, क्या कारण रहा? कारण ये रहा कि सर, जैसे कि 15 साल से यहाँ कांग्रेस का विधायक है, अब मंत्री भी है, लेकिन बिल्कुल एक भी रोड सपोटरा में, बिल्कुल एक भी रोड कहीं भी सही नहीं है, और सब जगह ऐसी हालत है, बिल्कुल सब सारे गांवों में गड्ढे पड़े हुए हैं, पानी भरे हुए हैं, सारी पब्लिक परेशान है। तो मैं इस चीज़ को लेके हर गांव-गांव में जाके, घर घर जाके सब जनता से इसी मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। वार्ड नंबर 8 की बात करें, आवारा पशुओं की बात करते हैं, ठीक अपने पीछे खेत भी है, तो किसानों को सबसे बड़ी दिक्कत होती है आवारा पशुओं को लेकर। यहाँ सपोटरा विधानसभा में गौशाला नहीं है, क्या कारण रहा कि आवारा पशुओं के लिए कोई प्रयास नहीं है? नहीं, ये रहा कि यहाँ पर एक भी तो गौशाला नहीं है। हमारे सपोटरा में एक गौशाला है धूलवास में, जय हनुमान गौशाला के नाम से, उसमें मैंने बहुत सहयोग किया है, गौशाला भी बनवाई है, पर इसमें भी मंत्री का बहुत वो रहा है, उसने पूरा प्रयास किया रमेश जी ने उसको फेल करने के लिए, लेकिन हमने घर घर जाके अच्छे लोगों से संपर्क करके और उनसे सहयोग करके हमने गौशाला भी चलवाई है और अब भी चल रही है। संतोष जी, क्या कारण रहा कि चुनावों के समय मतदाता अपना मत दे देते हैं, सत्ता में आ जाते हैं, उम्मीदवार बन जाते हैं, नेता बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, फिर वो घरों में तब्दील हो जाते हैं, अपने आलीशान महल में ही दफन हो जाते हैं, जनता के बीच में नहीं आते? क्यों नहीं आते जनता के बीच में? इसलिए नहीं आते कि क्या, उनको मतदाता बहुत सीधे होते हैं, तो उनको क्या कि बहकाने वाले लोग जो है, जो सत्ता में बैठे हैं वे मजबूत है, तो वो जाके और उनको सभी तरह का लालच दे के अपनी ओर कर लेते हैं, बाकी के वोट लेने के बाद में उनसे राम राम तक नहीं करते। वार्ड नंबर 8 की बात करें, अगर जनता आपको यहाँ से जिताती है, भारतीय जनता पार्टी बनाती है सपोटरा विधान पंचायत समिति में, तो क्या केंद्र सरकार राज्य सरकार की जो बड़ी बड़ी योजनाएं आती है, जो पंचायत समिति में ही प्रधान या बीडीओ वो जीम जाते हैं, क्या कहना चाहोगे? अगर मुझे यहाँ से जनता जिता के भेजेगी और मैं वार्ड नंबर 8 के लिए यहाँ से लेके और केंद्र सरकार तक पूरा प्रयास करूँगा कि सारी योजनाओं को यहाँ लाऊँगा और पब्लिक के सामने रखूँगा। बुज़ुर्गों को लेकर एक दुविधा रहती है, पेंशन को लेकर, कभी 4 महीने बाद आती है, कभी 6 महीने बाद आती है तो कम आती है, ऐसी कोई समस्या? हाँ बिल्कुल, समस्या चल रही है साहब, बहुत से वृद्धों ने मुझे कहा है कि पेंशन समय पे नहीं आती, सब वोट लेने के लिए आ जाते हो, तो मैंने उनको आश्वासन दिलाया और बिल्कुल ये काम मैं करूँगा, उनकी पेंशन का भी काम। युवा वर्ग की बात करेंगे, युवा वर्ग जो नशे की गर्त में जा रहा है, युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा? कोई अलग से सपोटरा विधानसभा में कोई खेल स्टेडियम अभी तक मंत्री जी ने बनाया नहीं, क्या कारण रहा कि युवाओं के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया? हाँ, युवाओं के लिए क्या, हमारी युवा पीढ़ी वैसे तो सब पढ़े लिखे ही हैं, सब जानकार है, सबको सब नॉलेज है कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन युवा पीढ़ी को भी थोड़ा सा भ्रम डाल रखा है, और जैसे कि नशे को बात करते हैं कि तो बहुत से यहाँ पर इसमें कि हो चुके हैं, और मैं खुद मेरा एक पर्सनल वो भी चला रखा है, मैंने नशा मुक्ति केंद्र भी मैं चलाता हूँ, पिछले 2 वर्षों से मैं चला रहा हूँ सपोटरा में ही। तो लगातार जनता के बीच में रहे हो, जनता से जुड़ाव है आपका, सबसे मुख्य समस्या कौन सी है जो सबसे पहले आप हल करना चाहोगे अगर वार्ड नंबर 8 की जनता पर आपको यहाँ से सरताज बनाती है तो? वार्ड नंबर 8 की मैं बिल्कुल, एक तो रोडों की बहुत समस्या है यहाँ पर, पानी को लेकर भी समस्या है और नशे को लेकर भी समस्या, मैं इन सारी चीज़ों पर बिल्कुल घर घर जाके और इसका मेरा प्रयास रहेगा कि मैं इनको सारी समस्या हल करवाने के लिए। तो ये थे वार्ड नंबर 8 से संतोष कुमार मीणा, जो भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार है, अब वो घर घर जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, चुनावों का दिन बिल्कुल नज़दीक है, 12 तारीख को चुनाव है, लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे, मतदान केंद्र पर जाएंगे, अपने मत का प्रयोग करेंगे और
फिर से वहीं कहानी दोहराई जाएगी, एक बोर्ड बनाया जाएगा, चाहे वो कांग्रेस का बने चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का बने, लेकिन हर बार मतदाता के साथ वहीं ढाक के तीन पात, यानी कि जनता को सिर्फ ठगा जाता है। क्या इस बार विकास के नाम पर वोट होगा या विकास हो पाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं मयूर प्रसाद, मेरे साथ कैमरा पर्सन मदन, देखते रहिए डीपीके न्यूज़ चैनल।